हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड के अंदर सेम टू में लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में से थियोरीज ऑफ लर्निंग की, पावलोव्स थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये आज हम बात करेंगे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग ये जो थियोरी थी आइविन पावलो ने जो दी थी ये थियोरी, वो क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो सबसे पहले आपको पता हो कि ये एक बिहेवियरिस्ट थियोरीज में आती है। बिहेवियरिस्ट थियोरी क्या होती है? बिहेवियरिस्ट थियोरीज यानी कि वो थियोरीज जो एक पर्सन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जानवर हो सकता है, एनिमल या इंसानों का, बिहेवियर स्टडी करता है। ओके, सो बिहेवियर स्टडी करने वाली थियोरीज को हमने बिहेवियरिस्ट थियोरी कहा गया है। उसके अंदर हमें दो थियोरीज है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें से अभी हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। आइविन पावलोव्स थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आइविन पावलोव सबसे पहले एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। अब हमें ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है थियोरीज, बिहेवियर थियोरी एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, एंड बड़ा ही स्ट्रेंज थिंग है कि आइविन पावलो एक्चुअल में एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, हालांकि एक फिजियोलॉजिस्ट थे, वो एक फिजिशियन थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था उस चीज़ के लिए, एंड वो साइंस एंड मेडिसिन के स्टूडेंट थे। सो जब ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में काम कर रहे थे, तब पावलो ने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर, वो भी डॉग्स की, जी हाँ कुत्तों के डाइजेस्टिव फंक्शंस के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जब डॉग्स को खाना देने का समय होता था तो उनके मुंह में अपने आप पानी आ जाता था। जब उनको खाना देने वाले लोग आते थे, उनके केयर टेकर्स आते थे, तो उनके मुंह में पानी आ जाता था। तो ये चीज़ उन्होंने देखा कि ये एक यूनिक बात हो रही है, ये बिहेवियर की बात हो रही है। सो उन्होंने इसी के ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट किया एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी हमको देखे गए। सो आज हम सारी बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। ओके, सो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? सो क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स व्हेन अ कंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विथ एन अनकंडीशनड स्टिमुलस टू गेट अ डिजायर्ड कंडीशन रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था समझने के लिए, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजीज जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, एंड बिलीव मी आप ये खुद ये पूरा स्टेटमेंट बिना पढ़े खुद लिख सकोगे। सो ध्यान दीजिएगा, हम टर्मिनोलॉजीज कुछ कवर करेंगे, उसके पहले मुझे आपको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट की स्टोरी बतानी कि वो क्या है, वो क्या एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली इन्होंने किया था, उसके बाद हम इसकी टर्म्स इसकी भाषा में बात करेंगे, थियोरी में जो लैंग्वेज यूज हुई है उसमें बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पावलो ने एक ऐसा केज बनाया जिसके अंदर एक कुत्ते को रखा जा सके, एक डॉग को उन्होंने बांध दिया एक तरफ से, और आगे की तरफ उसके मुंह की तरफ एक खाने के लिए जगह छोड़ी थी जिसमें उसको टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली मैकेनिकली खाना मिल सके। अब जो भी बाहर से देख रहा है, ऑब्जर्वर को सब कुछ दिखता है डॉग क्या कर रहा है, लेकिन डॉग को बाहर नहीं दिखता है, ऐसा उन्होंने केज क्रिएट किया था। ओके, एंड साथ ही में एक बेल भी एक लगाई थी उन्होंने जिसमें से वो एक साउंड क्रिएट कर सके। अब ऐसा पूरा उन्होंने एक अपैरेटस मैकेनिकल केज बना के रख दिया। अब उसके अंदर उन्होंने एक कुत्ते को रखा जिसे भूख बहुत टाइम से भूखा रखा, उसको पहले एक दो दिन तक भूखा रखा, उसके बाद उसको उन्होंने उस केज में बांध दिया। अब एक्सपेरिमेंट चालू होता है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो उसको खाना देते हैं। जैसे ही उसको खाना दिया जाता है मैकेनिकली उस बाउल में, वो उसके मुंह में पानी आता है, सलाइवा आ जाता है, ठीक है, तो ये खाता है। ओके, नाउ उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने
खाना देने से, सेकेंड टाइम खाना देने से पहले बेल बजाई, बेल बजाई तो कुत्ते को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसे कुछ समझा ही नहीं क्या चल रहा है, उसे कोई बेल का सेंस ही नहीं था, एक तरह से उसने नो रिस्पॉन्स किया। ठीक है, ये आप, मैं जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, उसने नो रिस्पॉन्स दिया बेल को। लेकिन बेल बजते ही उसके बाद इन्होंने, पावलो ने खाना दिया कुत्ते को, एंड ऑब्वियस सी बात है कुत्ते ने फिर से उसके मुंह में पानी आया एंड उसने खाना खाया। अब सेकेंड थर्ड टाइम भी, सेकेंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम भी उन्होंने सेम चीज़ की, बेल बजाया एंड फिर कुत्ते को खाना दिया। अब जब बेल बजाई और खाना दिया, तब कुत्ते को, कुत्ते की मेमोरी में ये बात आई कि ये कुछ तो आवाज़ हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर खाना मिला मुझे। सो ये चीज़ उसके दिमाग में कंडीशनड हो गई, आप सुन रहे, समझ रहे बात, कंडीशनड हो गई उसके दिमाग में कि बेल बजा तो खाना मिला। तो अब थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम उन्होंने ये चीज़ को साथ में दोहराया, बेल खाना, बेल खाना, इसकी साथ में जोड़ी बना दी, पैरिंग कर दिया, पैर कर दिया, जोड़ी बना दिया। ओके, बेल बजता है, खाना मिलता है। अब ये होते गया एंड कुत्ता हमेशा सलाइवा उसके मुंह में आता था एंड वो हमेशा रिस्पॉन्स करता था और खाना खाता था। अब आफ्टर रिपीटिंग दिस मैनी टाइम्स, उन्होंने समझो सेवेंथ एट टाइम क्या किया, उन्होंने सिर्फ बेल बजाया और इस बार खाना नहीं दिया, तो फिर भी रिस्पॉन्स में कुत्ते ने बेल सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया कि उसे लगा कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, उसे भूख लग चुकी थी, जस्ट उसने बेल की आवाज़ सुनी और उसे खाना याद आ गया। तो इट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने उस कुत्ते का ब्रेन को कंडीशन कर दिया, उसको सिखा दिया, उसको समझा दिया कि बेल की आवाज़ के बाद तुझे खाना मिलता था। सो इसीलिए लास्ट में ऐसा हुआ कि जब बेल की आवाज़ कुत्ते ने सुनी तो उसके मुंह में पानी आ गया। सो ये चीज़ हो गई कि उन्होंने एक डॉग को ट्रेन कर दिया, कंडीशन करना एक तरह से ट्रेन करना होता है, सो ट्रेन कर दिया, कंडीशन कर दिया उसके ब्रेन को विद द साउंड ऑफ अ बेल, यानी अब जब भी वो साउंड सुनेगा बेल की तो उसके मुंह में पानी आएगा, क्योंकि उसके लिए बेल की साउंड खाने के साथ रिलेटेड है। सो दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो। सो अब इसके अंदर जो आप, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो इसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, खाना, बेल, कुत्ते का रिस्पॉन्स क्या था, ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई है, इसके टेक्निकल नाम है, इसके स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है, तो हम वो डिस्कस करेंगे अभी एंड आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होती है, थियोरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग का सिंपल मतलब है किसी चीज़ में ट्रेन हो जाना, दिमाग को किसी तरह से ट्रेन कर देना किसी चीज़ के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं तुम्हारा दिमाग कंडीशन हो रहा है या कंडीशन हो गया है। सो तुम्हारे, हम अपने ब्रेन में जब कोई चीज़ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हमारे बिहेवियर में दिखने लगता है, तो हम कहते हैं यू आर कंडीशनड इन अ सर्टन वे, योर ब्रेन इज़ ट्रेंड, कंडीशनड इन अ सर्टन वे, वैसा ही रिएक्ट करेगा। जैसे कि सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपके सामने अचानक से फायर क्रैकर, फटाका फोड़ा जाए, तो आप ऑब्वियस रिएक्शन क्या देंगे, अपना लाइक कान पकड़ेंगे या यू नो चिल्ला देंगे या जो भी हो जाएंगे, इन शॉर्ट डर जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। सो ये हमारा कंडीशनड है, ये हमारे ब्रेन को इस आवाज़ से, अचानक शोर से डर लगता है, वो फियर होता है, तो ये हमारा ब्रेन कंडीशनड है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए। सो सबसे पहले आपको ये कंडीशन का मीनिंग समझे कि कंडीशन क्या होता है, इट इज़ अ लर्नड बिहेवियर, आपका कोई भी तरह का, आपने ब्रेन को किसी तरह की चीज़ सिखा के रखी हो, वो कंडीशनड हो गया है, सो उसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो बहुत यूज होने वाली है वो है स्टिम्यूलस एंड रिस्पॉन्स। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा स्पेसिफिकली साइंस में कि रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली, ये लाइन आपने अगर फ्रेज आपको याद होगा रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली। तो ये मीनिंग क्या है इस चीज़ का, एकदम सिंपल सा इसको भी तोड़ देते हैं। रिस्पॉन्स यानी कि आपका रिएक्शन, आप जो रिएक्ट करते हो। स्टिम्यूली वो चीज़ है जो आपको रिएक्ट करने पे मजबूर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई गर्म चीज़ आपके आपके ऊपर वैक्स गिरता है, आप तुरंत ही हाथ पीछे हटाएंगे और शायद चिल्लाएंगे। सो वैक्स जो आप पे गिरा वो आपको जो बर्न फील हुआ, वो सेंस, वो सेंसेशन जो फील हुई वो आपका स्टिम्यूलस था, उससे आपने कुछ रिएक्ट किया, आपने जो रिएक्ट किया वो आपका रिस्पॉन्स था। ओके, सो स्टिम्यूलस एंड रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स होने के लिए स्टिम्यूलस होना ज़रूरी है। आपको ये बात बहुत क्लियरली समझनी है, ये थियरी समझने के लिए, रिस्पॉन्स होने के लिए, कोई चीज़ का रिएक्शन होने के लिए सामने स्टिम्यूलस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्टिम्यूलस वर्ड और रिस्पॉन्स वर्ड ये हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे न्यूट्रल स्टिम्यूलस। न्यूट्रल स्टिम्यूलस NS, इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं NS। न्यूट्रल स्टिम्यूलस क्या होता है, एकदम सिंपल सी बात बोलता हूँ, न्यूट्रल स्टिम्यूलस कोई भी वो स्टिम्यूलस है जिसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूट्रल स्टिम्यूलस कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक्सपेरिमेंट में जब पहली बार बेल बजाया गया था तब डॉग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी तो आपको ये बात पता होगी कि जब पहली बार बेल बजाया गया था तब डॉग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, उसको पता नहीं था, या कोई रिएक्ट करेगा भी तो उसके मुंह में सलाइवा नहीं आना था बाई हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल। तो तभी जो बेल हमने फर्स्ट टाइम रिंगिंग की थी वो तभी न्यूट्रल स्टिम्यूलस था, वही आगे जाके हमारा कंडीशनड स्टिम्यूलस बनने वाला है। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं विच इज कंडीशनड स्टिम्यूलस। कंडीशनड स्टिम्यूलस वो स्टिम्यूलस है जिससे आपका कोई ना कोई रिएक्शन आने वाला है, कुछ आप रिएक्ट करने वाले हो। तो हमारा बेल ही जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम उसको रिंग किया गया था, उसके साउंड से, उसके स्टिम्यूलस से वो डॉग रिएक्ट कर रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था, इसीलिए उसको हम कहेंगे, बेल को हम कहेंगे कंडीशनड स्टिम्यूलस, यानी कि हमने उससे, उसकी हेल्प से डॉग के अंदर एक तरह का कंडीशनिंग डाल दिया है, इसीलिए उसको हम कहेंगे कंडीशनड स्टिम्यूलस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा है अनकंडीशनड स्टिम्यूलस। एकदम सिंपल सा है, अनकंडीशनड स्टिम्यूलस यानी कि हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमारा फूड, फूड को हमने कोई कंट्रोल नहीं किया था। फूड खाने की बात करते ही अगर मैं आपको फिर से अभी पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बात करूँगा तो आपके दिमाग में उसके इमेजेस आने वाले, आपको भूख लगेगी, आपको शायद खाने का मन होगा, आपके मुँह में पानी आएगा। सो ये नेचुरली हुआ, इसीलिए इसको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खाना बोलते ही आपको उसका रिस्पॉन्स पता है क्या होगा। सो दैट इज़ अनकंडीशनड स्टिम्यूलस। तो यहाँ पर हमारा अनकंडीशनड स्टिम्यूलस है फूड। हम जो स्टार्टिंग से फूड दे रहे हैं डॉग को वो अनकंडीशनड स्टिम्यूलस है क्योंकि उसका एक ऑलरेडी रिस्पॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा है कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो हम डॉग में से चाहते हैं कि डॉग ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। जब हम उसे कंडीशनड स्टिम्यूलस देंगे तब डॉग कंडीशनड रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए। इट मीन्स हमारे कंट्रोल में उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब हम उसे
कंट्रोल में स्टिमुलस देंगे तो कंट्रोल में रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो दैट इज कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, जो इस केस में हमारा लास्ट में जब भी उसको बेल सुनने पर सलाइवा आ रहा था तो वो जो लास्ट में जो सलाइवा आ रहा था दैट वॉज एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से कंडीशनड रिस्पॉन्स. एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. एकदम सिंपल है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी हमारा सलाइवा ही है, लेकिन कौन सा टाइम में, जब पहली बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब चल रहा था तभी जो सलाइवा था वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, जब उसे अनकंडीशन स्टिमुलस मिल रहा था, यानी कि फूड मिल रहा था और सामने वो सलाइवा उसके मुंह में आ रहा था, डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा था, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, वो नेचुरल उसका रिस्पॉन्स था. उसके लिए हमने उसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है भूख लगी है, खाना मिला तो उसके मुंह में पानी आने वाला है. ये चीज़ के लिए उसको कोई अलग से हमने ट्रेनिंग नहीं दी, उसको कोई कंडीशन नहीं किया, इसलिए वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है. तो ये चीज़ आपको फिर से एक्सपेरिमेंट में समझना है कि न्यूट्रल स्टिमुलस ही आगे जाके कंडीशन स्टिमुलस बनने वाला है. कंडीशन स्टिमुलस के सामने हमेशा कंडीशन रिस्पॉन्स हमें चाहिए एंड अनकंडीशन स्टिमुलस के सामने हमें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स चाहिए. आगे कंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इस एक्सपेरिमेंट में हर टाइम सलाइवा ही है. सलाइवा ही एलिमेंट हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स है और वो ही हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी है. ओके, सो ये टर्मिनोलॉजीज आप अच्छे से समझे पहले, तो आपको ये थियरी जब आप इसके नोट्स पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ में आएगी. एंड ये लेक्चर आप फिर से सुनिएगा तो आपको, और जैसे जैसे आप उसको साथ में रिफ़र करते जाएंगे, नोट्स को रिफ़र करते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको और ये बात समझ में आएगी. ओके, सो इस एक बार मैं फिर से टर्मिनोलॉजीज के साथ आपको बताऊंगा. सो एक बार ये इमेज देख लेते हैं और एक फाइनल टाइम क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है वो क्लियर कर लेते हैं इमेज के थ्रू. एक तरफ देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस जो हमारा फूड है, जिसका फूड यानी खाना तुरंत ही उसको देखकर हमारे मुंह में पानी आएगा, इसीलिए दूसरे तरफ सामने डॉग के मुंह में उसका नेचुरल रिस्पॉन्स जो है, जिसको हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं, वो आया वो सेलिवेशन का. फिर हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जिस स्टिमुलस से सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसके लिए उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है, वो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है. पहली बार बेल यूज़ किया जब हमने, तब डॉग ने सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. उसके बाद हमने हमारे न्यूट्रल स्टिमुलस को और हमारे अनकंडीशन स्टिमुलस को साथ में जोड़ी बनाकर पैरिंग कर दी, साथ में उसको साथ में यूज़ किया. तो सबसे पहले अब हमने न्यूट्रल स्टिमुलस, हमने अपना बेल बजाया एंड उसके बाद उसे अपना खाना दिया, तो उसका फिर से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया कि उसे खाना है. इससे बाद में ये ही चीज़ हमने पेयरिंग बार बार रिपीट की और उसको हमने ये कंडीशन कर दिया कि बेल की आवाज़ के बाद तुझे खाना मिलता है, जिससे वो हमेशा उसके मुंह में पानी आता था. इसीलिए जब बाद में बहुत बार रिपीटेशन के बाद जब हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल है वो ही हमारा अब कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है, तो जब हमने आखिरी बार कंडीशन स्टिमुलस किया तो हमें उसका डॉग का, जो उसको हमने ट्रेन कर दिया बार बार, वो अब कंडीशनड रिस्पॉन्स देने लग गया, उसके मुंह में पानी आ गया सिर्फ बेल की आवाज़ सुनते ही. सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग. एंड आगे हम अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की. सो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की. सबसे पहला इसके अंदर आता है एक्विजिशन.
एक्विजिशन का सिंपल मतलब होता है टू अक्वायर समथिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग समथिंग. और यहाँ पर हम क्या अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिस्पॉन्स, हमें एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए डॉग से, जो कि है कि उसके मुंह में पानी आना चाहिए, सेलिवेशन होना चाहिए, वो हमें रिस्पॉन्स अक्वायर कराना है उसके पास. वो किसके ऊपर अक्वायर कराना है, हमारा स्टिमुलस क्या होगा, हमारा बेल स्टिमुलस होगा. तो हमें उसको ट्रेन करना है कि लास्ट में जब वो बेल की आवाज़ सुनेगा तो उसके मुंह में पानी आना चाहिए. सो ये जब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एक्विजिशन हो चुका है. सो एक्विजिशन इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर हम एक रिस्पॉन्स, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स चाहते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर. तो हमारा स्टिमुलस क्या है, बेल, और हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसके मुंह में पानी आना. यहाँ पर आप इमेज में जैसे देख सकते हो, मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है आपके रेफर करने के लिए, उससे भी आप समझ सकते हो एक्विजिशन क्या होता है. तो जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है कि पैरेट को हम सिखा रहे हैं कुछ वर्ड्स बोलना जब भी डोर बेल रिंग होती है, तो हमें ये उसे बार बार रिपीट कराना पड़ेगा. तो जब वो सीख जाएगा डोर बेल सुनते ही कुछ ना कुछ वर्ड्स जो हमने सिखाए हैं बोलने लगेगा, तब हम बोलेंगे कि उसने ये रिस्पॉन्ड करना अक्वायर कर लिया है. सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, एक्विजिशन. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटिंक्शन. Extinction is when the occurrence of a conditioned response decreases or disappears. यानी कि जैसे इसका नाम है extinction, यानी ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना. तो जब हमारा dog salivation करना छोड़ देगा bell की आवाज़ सुनते ही, जो हमने उसको training दी है, वो training धीरे धीरे भूलते जाएगा या वो कम होते जाएगी, decrease होते जाएगी, तो हम उसे extinction period कहेंगे. क्योंकि अब धीरे धीरे हमने उसको फूड देना छोड़ दिया है, लास्ट में सिर्फ बेल बजाते ही हम वो रिस्पॉन्स देख रहे थे, तो वो सिर्फ बेल से ही चार पांच बार होने के बाद शायद वो सेलिवेशन करना धीरे धीरे कम कर दे, तो हम वो रिस्पॉन्स को कहेंगे कि एक्सटिंक होते जा रहा है. जो उसका ओरिजिनली अक्वायर्ड था, अब वो एक्सटिंक होते जा रहा है. और जैसे कि फिर से आप इमेज में देख सकते हो कि पैरट को हमने सिखाया था डोर बेल पे वर्ड्स बोलना, लेकिन अगर हम डोर बेल ना बजाए और कुछ समय बाद हम नॉकिंग करने लगेंगे, तो उसे पता नहीं होगा कि क्या रिस्पॉन्ड करना है. एंड अगर फिर हमने बेल बजाया भी तो शायद उसे याद ना रहे कि क्या वर्ड्स बोलने थे जो उसको सिखाए गए थे. सो दैट इज़ एक्सटिंक्शन. सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन. स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, जनरलाइजेशन यानी कि जनरल, हम रिस्पॉन्ड करना जनरल कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं. तो जब हमें सेम तरह का कोई स्टिमुलस मिलता है तो हमारा रिएक्शन सेम होता है. जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में अगर डॉग ने जो बेल की आवाज़ थी उसको अगर वैसी ही थोड़ी बहुत आवाज़ हमने सुनाई जो बेल से रिसेम्बल करती हो, बेल से सिमिलर हो, तो वो सेलिवेशन करना चालू करेगा. एंड अगेन आप इमेज में देख सकते हो, अगर आपने ये पैरट को डोर बेल की आवाज़, अगर उसे कोई मोबाइल टोन से सिमिलर लगती है, तो वो मोबाइल टोन की आवाज़ सुनते ही वर्ड्स बोलना चालू करेगा जो उसे हमने सिखाए थे डोर बेल सुनाने पर. तो वो जनरलाइज कर देगा, उसका रिस्पॉन्ड जनरलाइज हो जाएगा. सो उसे हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं. सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. ये पूरा ऑपोजिट है जनरलाइजेशन का. डिस्क्रिमिनेट करना यानी डिफ्रेंशिएट कर पाना, अलग अलग समझ पाना कि दोनों आवाज़ अलग है. तो हमने डॉग को ट्रेन किया था बेल की आवाज़ पे, तो अगर हम उसे बेल के अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनाएंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसके मुंह में सलाइवा नहीं आएगा. वैसे ही इमेज में भी आप देख सकते हो, पैरट को हमने टोन, बेल टोन पे, डोर बेल के टोन पे सिखाया था बोलना, अगर उसके अलावा हम उसे कोई भी और टोन या म्यूज़िक सुनाएंगे तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा और रिएक्ट नहीं करेगा. सो दैट इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. अब हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी. स्पॉन्टेनियस रिकवरी जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, स्पॉन्टेनियस यानी कि धीरे धीरे फटाक से हो जाना वो, तो रिकवरी यानी कि वापस आना, कोई चीज़ फिर से होना. तो यहाँ पर अगर हमने बहुत समय बाद बेल, डोर बेल दबाया, तो पैरेट को
शायद धीरे धीरे याद आने लगे कि हाँ हमने उसे कुछ रिस्पॉन्ड करना सिखाया था, तो उसे वो मेमोरी फिर से याद आने लगेगी। तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है।